वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और भाई लेस्टर ने ना अपने फ्रैंकलिन को दे दिया एक बहुत ही बड़ा लालच कि भाई मेरे ना कुछ टारगेट हैं। वो बंदे जब मरते हैं उनके ऊपर कुछ अटैक होता है ना, तो शेयर मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली जाता है, बहुत स्ट्रॉन्गली इंस्टेंटली अप डाउन हो जाता है। तो भाई उसमें मुझे होगा करोड़ों का प्रॉफिट और उसमें से कुछ चीटें मैं तुझ पे भी डाल दूँ। भाई फिलहाल मेरे लिए जो सबसे पहला टारगेट है वो है एक बड़ा बिजनेसमैन जो कि आज आने वाला है स्टार होटल। भाई तुझे यहाँ से गाड़ी लेकर जाना है, स्टार होटल पहुँचना है, और जैसे वो बंदा वहाँ पे आएगा ना, तुझे बस उसे वहाँ से मार कर वहाँ से निकल जाना। मैं स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए छापूंगा और तुझे दूंगा वाइनवुड की पहाड़ी पर एक बहुत ही तगड़ा बंगलो भाई, जो शायद तू पूरी लाइफ में कभी खरीद नहीं पाएगा। भाई ये सारी बातें सुन के फ्रैंकलिन हो जाता है बिल्कुल पागल और फिर कहता है भाई मेरे पास तो होगा पैसा ही पैसा, अंबानी मेरे घर के पास होगा, आप सबको पता क्या बोल जा रहा था। लेकिन भाई अभी इस पार्किंग लॉट में बंदा पहुंच चुका है और यहीं पर आने वाला है वो मिलियनेयर, तो बस बिजनेस मैन को मार कर ना यहाँ से निकलना है। तो यहाँ राइट साइड में है वो लोगो, मतलब वो स्पेस जहाँ पर रुकने वाले थे, और यहाँ पर उतरने के बाद है ना बंदा पहुँच गया भाई बिल्कुल बाहर। यहाँ से उसने देख लिया कि ब्लैक गाड़ी में बंदे आए हुए, बाउंसर आए हुए, और होटल के अंदर से वो बंदा निकलेगा। तो अभी 1 मिनट 22 सेकंड बाकी है जिसमें वो चेकआउट कर रहा है, उसकी चेकआउट की सारी लाइक फॉर्मेलिटीज चल रही हैं एंड ऑल, और उसको लेने के लिए एक और गाड़ी ब्लैक आएगी। तो भाई इतनी देर में यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं भाई मुझे देख के, क्योंकि मेरे कंधे पर ऑलरेडी दो गोलियाँ लगी हुई थी। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए होटल के बैक साइड चला जाता हूँ, और भाई चेकआउट उसका हो चुका है और वो बंदा अब बाहर निकले, मैं कहीं देर ना हो जाए मुझे, इसलिए स्नाइपर गन पहले से ले लेता हूँ, दूर भी अगर गया तो वही गोली तो मार ही दूंगा। तो उसके बाउंसर वगैरह गाड़ी में जैसे बैठ ही रहे थे, इससे पहले कि वो निकल जाए तो मुझे उन पर गोली चला देनी चाहिए। भाई गोली चलते ही उनको खतरा महसूस हुआ और उन्होंने मुझ पर गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी हैं। अब स्नाइपर गन काम नहीं आएगी बिकॉज अब वो बहुत नियर बाय है और उन पर निशाना लगेगा नहीं। भाई मशीन गन निकाल के मैंने गाड़ी में कर दिए हैं धमाधम स्टार्ट, और भाई धमाधम के साथ बवा होने लगा है, और भाई एक एक करके सारे के सारे बॉडी गार्ड जो है ना बस गिरते जाते भाई। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि दो गाड़ियों के अंदर इतने लोग आ सकते हैं। अगर दो गाड़ियों में इतने लोग आ गए ना भाई तो कुछ तो ये बंदा है। और भाई उसका जो बॉडी गार्ड है वही गाड़ी चला रहा है, उसका ड्राइवर साहब बैठने नहीं दिया मैंने, उससे गाड़ी चल नहीं रही, वो बस टक्कर टक्कर मारे जा रहा सीधा सीधा उससे, वो ना मरना उड़ना आता नहीं। उसने बस कोशिश की कि बस लेके भाग पाए, और इतनी देर में तो मैंने इतनी गोलियाँ मार दी ना कि दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। भाई अब यहाँ पर कोई बॉडी गार्ड या फिर बंदा तो बचा नहीं है, लाइक जो बिजनेस मैन था उसको मार दिया मैंने, कुछ पुलिस वाले बचे हैं, इनसे हमें बच के भागना होगा यहाँ से। और भाई हमें इंस्टेंट गाड़ियों को ख़त्म कर दी, मशीन गन से भी नहीं होगा, मैं ग्रेनेड मारूँ ख़त्म, बहुत बड़ी। अब पुलिस वाले भी आस पास बचे नहीं हैं, एक पुलिस वाला बचा हुआ था जो कि शायद नीचे पड़ा पड़ा गोलियाँ मार रहा था, ये भी ख़त्म। अब मुझे यहाँ से भाग कर भाई यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ से निकलते के साथ और बचते के साथ हमारा हो जाएगा मिशन कंप्लीट। और भाई अभी तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई ना, एक सब्सक्राइब जो आपका एक सब्सक्रिप्शन है ना वो आपको पोस्ट करता है कुछ भी नहीं, मुझे पोस्ट करता है मोटिवेशन। भाई आपका एक सब्सक्राइब मुझे देगा मोटिवेशन, और मैं बनाऊंगा ऐसी बहुत सारी वीडियोज आप सबके लिए। तो भाई गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, हेलीकॉप्टर के साथ साथ गाड़ियाँ भी हमारा पीछा कर रही हैं। तो ऐसे जब किसी सेफ स्पेस पर जब आप आ जाओगे तो उन गाड़ियों की जो हेडलाइट है ना वो बिल्कुल राउंड सर्कल में दिखेगी आपको नीचे मैप में, बस वाइट जोन में आपको रहना और रेड जोन में आपको नहीं आना है। ऐसी किसी पतली गली में आप घुस जाना, और पत्नी के लिए घुस के आप उसको किसी के कोने में पहुंच जाओगे, आप हो गए सेफ। और मिशन हो गया हमारा कंप्लीट, और भाई लेस्टर जो है उससे मैंने फ़ोन कर दिया है, और फ़ोन करके उसको बता दिया भाई तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो गया, जितना पैसा चाहे उतना लगा दो इससे पहले कि लाइक न्यूज़ लीक हो, तो उससे पहले पैसे लगा दो, और उसके बाद जब न्यूज़ फैलेगी ना मैं तुम्हारा पैसा हो जाएगा 5 करोड़। भाई वो कहता है मेरा काम मेरे को मत सिखा, पैसे ज़्यादा जानता हूँ मैं कि कैसे क्या होने वाला है, तू बस एक काम कर मेरे गोडाउन से जा ले, बंदे से चार्जिंग उठा ले और जाके अपना विला एंजॉय कर। भाई उसकी बात सुन के फ्रैंकलिन को इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि बस क्या ही बताऊँ। फ्रैंकलिन अपने घर जा रहा है फिलहाल,
क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बहुत ही तगड़ी नई गाड़ी रखी हुई थी फ्रैंकलिन की, और उस गाड़ी को लेकर वो जाएगा अपने विला, नए विला। और मैं इस नए विला का लाइक वो हाउस टूर दूंगा आप लोगों को, मैं बहुत ही प्यारी जगह है, और उसमें आप बैठ कर मेरे साथ चलो। भाई ये है वो ब्लैक कार जो कि मैंने ट्रैवर वाले एरिया से उठाई थी। ये पता है क्या, जो गेम खेल रहे होते ना, तो एक बड़े बड़ा ब्लू कलर का डॉट दिखाई देता है मैप पे आपको, वहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है, लाइक पैसों का स्टेक मिल सकता है, या पर आपको कोई तगड़ी गाड़ी मिल सकती है, जैसे ये मिली थी मुझे। ये सारी चीज़ें आपको ऐसी जगह पर मिलती रहती हैं। तो ब्लैक कलर की इतनी तगड़ी सुपर कार नहीं भाई, बस माफिया लाइक माफिया की गाड़ियाँ भी फेल है। और ये है वो लोकेशन यहाँ पर, मेरी वाइट गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर हो गई है, वाइट गाड़ी और ब्लू कलर की बाइक। खत्म करने उसका पहले ही कुछ बड़ी चीज कराया था भाई। ये लोकेशन आज से होगा फ्रैंकलिन का घर, और भाई फ्रैंकलिन के तो वारे न्यारे हो गए, क्योंकि ये घर माइकल के घर से ज़्यादा प्यारा है। ट्रस्ट मी, वो सिटी के अंदर है और ये वाइनवुड सिटी में, वाइनवुड की पहाड़ी पर है। यहाँ पर जो लुक होगा ना, जो व्यू होगा, वो कसम से देखते ही बनता है। तो गाइस मिशन होने वाला है कंप्लीट, मिशन तो खैर कंप्लीट हो गया है, बस हाउस टूर में आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को कर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज में बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई ये है वो लुक, और भाई ये गमले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो गमला तो मैं तोड़ दूंगा, तो ये अजीब ढंग से टूटा है, गायब हो गए, आर्टिफिशियल था तो आर्टिफिशियल तरीके से टूट गया है वो। भाई इसी के साथ नीचे एक स्विमिंग पूल भी आता है, पूल बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, तो यहाँ से हम लोग नीचे जा सकते हैं, पर हम जाएंगे ऊपर, ऊपर से कूदेंगे बाहर। बस मुझे पहले नहाना है पड़ोसी के घर में, पड़ोसी का जो पूल है यार वो बिल्कुल राउंड शेप में है। यहाँ से मैं निकलता हूँ बाहर और भाई पड़ोसी घर का रास्ता देख, ये तो गैराज है, हाँ ये रहा रास्ता। भाई इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे पड़ोसी के घर पे, उसके राउंड शेप वाले स्विमिंग पूल बनाएंगे पहले। भाई बहुत ही तगड़ा, लाइक ग्राफिक्स कार्ड के साथ जो आपका लैपटॉप होता है ना, उसमें आप GTA 5 खेल रहे हो, तो कसम से मज़ा बहुत आता है, बहुत अलग ही टाइप के एक लुक आपको मिलता है। तो भाई ये पड़ोसी का घर है जो बहुत टाइम से दुबई में शिफ्टेड है, यहाँ पर कोई रहता नहीं, तो मैं दोनों से एक दिन पर बराबर नहाया कर दूँ और आप लोगों को इसकी वीडियोस बनाकर देख करूँगा। भाई ये है फ्रैंकलिन का सर जिसके अंदर वो अभी नहा रहा है, और भाई इसके तो बारे न्यारे हो चुके हैं। इसकी मदर का एक मैसेज आता है कि भाई तू बहुत टाइम से घर नहीं आया, तो आओ जल्दी, आलू के पराठे बनाएंगे आपके लिए दही के साथ। तो फ्रैंकलिन को बहुत ही मज़ा आ रहा है अपने नए घर में, और भाई इस घर का लाइक इंटीरियर एक नंबर है बिल्कुल। तो गाइस आई थिंक यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या बुरा और क्या अच्छा लगा। अगर बुरा लगा है प्लीज़ बताना, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, अच्छा लगा हो तो फिर कंटिन्यू करेंगे। अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको राम राम, आई एम गोइंग टू स्लीप, बाय।